see you guys come out here. मैं भी आनी चाहिए वरना ब्लॉग में मैं भी होली खेलती आनी चाहिए तो बहुत क्रेजी हो रहा था बहुत ज्यादा बहुत देर से रोहित पागल हो गया रोहित मुझे देख देख के हंसी जा रहा है ये आराम से बातें कर बस हेलो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल और हैप्पी होली इन एडवांस मेरी तरफ से आपकी पूरी फैमिली को आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप मेरा चेहरा देख सकते हो हम लोग अभी जस्ट होली खेल करके हटे हैं बाय द वे आज होली है नहीं है बट स्टिल क्योंकि कल हमारा सलोन होने वाला है बंद बिकॉज हमने सोचा कि चलो आज के दिन पूरे स्टाफ को भी छुट्टी देते हैं वो भी इंजॉय करेंगे हम भी इंजॉय करेंगे सबको मौका मिलना चाहिए इंजॉय करने का तो इसलिए कल होगा सलोन बंद तो स्टाफ वॉज लाइक कि वो लोग कल नहीं आने वाले स्पेशली इसलिए आज के दिन हम लोगों ने कर दिया होली सेलिब्रेट आ गया स्वाद होली खेल करके आज पैसों की बात नहीं करते रोहित आगे मजे इसने इतना मतलब जिद कर रखा था ना पीछे से कि मतलब वही मैम होली खेलनी आज तो होली भी नहीं तब भी होली खेलनी चल हैप्पी होली इन एडवांस वेरी गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेरी हैप्पी होली आज है एक्चुअली में होली और अभी हम लोग उठे हैं मैं मतलब मम्मी तो उठ गए थे पहले मम्मा ने तो किचन में खाना वाला सब बनाने भी स्टार्ट कर दिया बट एक्चुअली में मैं अभी उठी हूँ मेरी सुबह अभी हुई है और होली ना मेरा लाइक फेवरेट फेस्टिवल है जितने भी मतलब फेस्टिवल्स हैं उनमें से एक इट्स वन ऑफ द फेवरेट फेस्टिवल्स और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ होली में लेकिन इस बार पहली बार हुआ है कि कोई प्लानिंग नहीं है कुछ भी नहीं है पता नहीं अब कैसे इंजॉय करेंगे कैसे नहीं करेंगे लेकिन आज तक का सबसे बेस्ट होली जो रहा था मम्मा कौन सा वाला रहा था आज तक की सबसे बेस्ट होली याद है आपको पुणे में हाँ तो इधर आओ ना तो बताओ ना पुणे में कौन सी हुई थी वो आई थिंक 2019 की लॉकडाउन से पहले 2019 में जब मम्मा भी पुणे में थे तो तब हमने होली वहां पर पुणे में सेलिब्रेट की थी रिजॉर्ट में तो सभी फ्रेंड्स लोग गए थे वहां पर और काफी सारे फ्रेंड्स थे मम्मी भी थे तो वहां पर मतलब काफी डीजे भी था रेन डांस भी था पूरे कलर्स एंड सब कुछ बहुत ज्यादा इंजॉय किया था सो दैट वॉज आर बेस्ट होली एवर और इस बार कुछ भी नहीं इस बार तो आपने रंग भी नहीं खरीदे मम्मी कोई ना भी चल के खरीद ले एंड जो जो भी देख रहा है जो हैप्पी होली आज तेरे को भी रंग देंगे हम ठीक है वैसे तो होली कल खेल ही चुके हैं ऐसा नहीं है नहीं 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 वो तो जस्ट ऐसे ही खेली थी सिर की हालत तो सर की तो मेरी भी बुरी हालत है मेरी भी अभी रंग अच्छे से निकला नहीं है ये देख लो कान वान हर जगह कलर्स है लेकिन कोई नहीं आज फिर से खेलेंगे मेरे उठते ही और फ्रेश होते ही मम्मा ने लगा दिया ब्रेकफास्ट भी और लगा क्या दिया मम्मी ने तो खाने भी स्टार्ट कर दिया था मुझे बाहर जाना है रेडी होकर के तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपना फेस क्लींस करूंगी विद डर्मा वाइव हाइड्रा क्लींजर ये ओटमेल बेस्ड क्लींजर है और ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लींस करता है विदाउट ड्राइंग योर स्किन और बिना कोई ब्रेकआउट दिए अब मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज करूंगी न्यूट्रीडर्म मॉइस्चराइजिंग लोशन विद स्पेशल विटामिन ई इट्स वेरी सॉफ्ट नॉन ग्रेसी जेंटल ऑन योर स्किन और ये हर तरीके के स्किन टाइप के लिए सूटेबल भी है दिन के किसी भी टाइम पे आप इसको यूज कर सकते हैं बट इट वर्क्स एक्सीलेंट बिफोर मेकअप आपको पता है मेकअप से पहले हमें अपने स्किन को अच्छे तरीके से क्लींस भी करना चाहिए मॉइस्चराइज भी करना चाहिए हाइड्रेट भी करना चाहिए इससे मेकअप काफी लंबे टाइम तक स्टे भी करता है और जो फाउंडेशन कंसीलर है उसकी एप्लीकेशन भी काफी ज्यादा स्मूथ हो जाती है तो मेकअप से पहले ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स न्यूट्रीडर्म मॉइस्चराइजिंग लोशन और डर्मा वाइव हाइड्रा क्लींजर दे बोथ वर्क लाइक अ चार्म अब मैं यूज करूंगी डर्मा वाइव मॉइस्चराइजिंग लोशन इससे आपकी बॉडी काफी
काफी अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज हो जाती है और ये हर तरीके की स्किन टाइप के लिए सूटेबल है इंक्लूडिंग सेंसिटिव स्किन। इसको स्पेशली आप यूज कर सकते हैं वैक्सिंग के बाद, थ्रेडिंग के बाद या फिर शेविंग के बाद जब हमारी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, तो आप सभी सीजन में यूज कर सकते हैं। सो अब ना फटाफट से मैं घर जाती हूँ, रेडी हो लेती हूँ वरना मैं लेट हो जाऊंगी। तो इन प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप पक्के से जाना एंड इनको जरूर से बाय करना। ट्रस्ट मी गाइज, दीज प्रोडक्ट्स आर रियली ग्रेट ऑन योर स्किन। सो अभी मैं हो गई हूँ पूरी रेडी बाहर जाने के लिए, तो मम्मा करेंगे घर की साफ सफाई और मैं जाऊंगी अपने कैमरा मैन और उनके फादर को लेने के लिए और पिक करने के लिए, बिकॉज मेरी मम्मा ने ना उनको लंच पे इन्वाइट किया आज होली के दिन पे। तो अभी चलते हैं। जोजो तू भी चलेगा मेरे साथ? ले जाओ जोजो को भी साथ में। जोजो चलो 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 चलो, ये देखो चलने के नाम पे ये तो फटाफट आगे भाग रहा है, सबसे पहले आगे। मम्मी चल रही है साथ में जोजो को छोड़ने के लिए। चलो चलो जल्दी बिठा दो इसको, नहीं तो बच्चों ने रंग देना है। वो देखो चले वो पिचकारी लेके, फटाफट बिठाओ। नहीं बैठना, आ जाओ जल्दी आ जाओ, मम्मी सच में रंग देंगे आपको, नहीं तो जाओ। देखो कहाँ बैठा रहे हो आप इसको। जोजो क्यों परेशान कर रहा है, तो क्यों रो रहा है? बैठ जाओ यहाँ पे, सिट आराम से सिट, रोना नहीं है, रोई रोई नहीं करनी है। गुड बॉय। हैप्पी होली, हैप्पी होली। पागल हो रहा है जोजो तो। हैप्पी होली। किसके साथ खेल के आ गए आप होली? किसके साथ खेल के आ गए? किसके साथ खेल के आ गए होली? किसी के साथ भी नहीं है ये होली, तो खेली ही लग रही है। अच्छा जो तो पूरा पागल ही हो गया। ओ ओ माय गॉड, ओ थोड़ा सा अभी मेरी कार भी ड्राइव करनी, मेरी कार गंदी हो जाएगी ना। हैप्पी होली। ज्यादा नहीं, कपड़े गंदे हो जाने मेरे से क्या दुश्मनी है। बस बस बस, ये तो सारे पसंद। बुराई का नाश हो, अच्छाई की जीत हो, है ना, सबकी तबीयत अच्छी हो जाए। जो जो हमें गाइड कर रहा है। पहरेदार खड़ा है यहाँ पे। इसको पता यही मेरा घर है। कपड़े तो पहन लेने थे अपने अच्छे से। होली आज होली है, देखना क्या हाल बना के रखा हुआ। अगले दिन ऐसे ही होते पकड़ना थोड़ा थोड़ा हो जाए कलर। कुछ नहीं होता, गुस्सा कर रहा है। जो पहचान नहीं रहा कि कौन है, जो जो पहचान नहीं रहा। इसको इनको करो ना फिर आप भी। नहीं नहीं नहीं, इनको भी करो, इन पे क्यों तरस खा रहे हो? ऐसे नहीं करो ना, अच्छे से लगा ना। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा लगा ना, थोड़ा क्या होता है, थोड़ा क्या, बस बस अभी तो लगा भी नहीं, लगाया ही नहीं मैंने पहले, बस कल से बुरा बना लो। अच्छा अच्छे से लगा लो, और कितना अच्छा अच्छा लगा लो। पकड़ो पकड़ो, लगाओ अच्छे से लगाओ। हैप्पी होली।
परीक्षित यहाँ से ना ये वाला बटन दबाना, ठीक है? बच्चे बीच में आ जाओ, बीच में कहो नहीं नहीं मैं बड़ा हूँ ना, नहीं है बड़ा, मेरे से छोटा है। कितनी क्या जरूरत है? उसके बाद चले गए हम लोग एक होली इवेंट पर, जहाँ पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, खूब मस्ती करी, बहुत सारा ढेर सारा डांस किया। तो ओवरऑल ना ये वाली होली हमारी बहुत अच्छे से मन गई। और जब हम लोग वहाँ पर डांस कर रहे थे ना, तो वहाँ पर मुझे मिल गए 2-4 सब्सक्राइबर्स। उन लोगों ने पहचान ही लिया, मतलब मैं तो इतनी हैरान हो गई कि इतना ज़्यादा रंग लगा हुआ था फिर भी लोग मुझे पहचान रहे थे। तो मैं तो मतलब खुशी से पागल हो रही थी। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यार जब ऐसे रैंडमली मुझे सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं कहीं पर, तो मेरा तो दिन बन जाता है। तो इस बार भी मुझे हर बार की तरह बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। One more time. I'm on this.